आज हम बनाने जा रहे हैं थोड़े अलग तरीके का साग। आपने बहुत बार साग खाया होगा, एक बार इस तरह से भी बना के ट्राई जरूर करना। सबसे पहले पालक और सरसों को अच्छे से साफ कर लेंगे। इसमें मैंने पालक सरसों लिया है, आप चाहे तो मेथी बथुआ भी इसमें मिला सकते हो। साफ करने के बाद काट लेंगे। मैं दराज से काटती हूँ, वैसे मार्केट में मशीन भी आती है पालक काटने की। उसके बाद अच्छे से धो लेंगे। धोना अच्छे से है क्योंकि पालक सरसों में बहुत बार गंदगी आती है, मिट्टी लग के आती है, इसलिए अच्छे से धोना है। धोने के बाद कुकर में डालेंगे, ऊपर से डालेंगे नमक और पानी। पानी थोड़ा ज़्यादा रखना है और थोड़ा ज़्यादा देर इसे पकाना है हमें। जब तक हमारा साग पक रहा है तब तक मटर छील लेंगे और लहसुन प्याज को काट के तैयार कर लेंगे। मैंने लहसुन प्याज काट के तैयार कर लिया, मटर छील लिया है। उसके बाद तैयारी कर लेते हैं आलन की। हमारे यहाँ आलन ही बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बेसन का आलन देती हूँ। आप चाहे तो इसमें आटे का आलन भी दे सकते हो, पर इसे थोड़ा ज़्यादा पतला रखना है और अच्छे से मिक्स करना है। इसमें गांठ नहीं होनी चाहिए, नहीं तो हमारे साग में भी गांठ बन सकती है। अब कुकर खोलेंगे, देखते हैं हमारा पालक सरसों गल गया है या नहीं। हमारा पालक सरसों अच्छे से गल गया है। इसमें जो एक्स्ट्रा पानी था वो निकाल लिया है मैंने, क्योंकि साग को पीसने में दिक्कत होती है ज़्यादा पानी में। मैं ग्राइंडर से घोटती हूँ साग को, दो तीन बार में, ज़्यादा नहीं घोटती हूँ। आप चाहे तो घोटनी से या मिक्सी में पीस सकते हो। अब इसमें गैस पे हमने अपना साग रख दिया है, कम गैस करके चलानी है और ऊपर से देंगे आलन, ऊपर से डालेंगे पानी जो हमने निकाला था, और इसी टाइम हमें इसमें डालनी है मटर। अच्छे से आधा घंटा हमें इसे पकाना है। उसके बाद इसमें लगाना है हमें तड़का लहसुन प्याज का, और मिर्च डालनी है क्योंकि मिर्च अभी तक नहीं डली थी। थोड़ा सा मैंने डाला है मैगी मसाला, थोड़ा ज़्यादा टेस्ट के लिए। ऊपर से डाल देंगे अपना साग, अच्छे से करेंगे मिक्स और मक्की की रोटी के साथ करेंगे एंजॉय। तो कैसी लगी मेरी रेसिपी? अगर अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर देना। बाय बाय, टेक केयर।